हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप जब सेल्स इनवॉइस टेली से प्रिंटआउट निकालते हो तो प्रिंटआउट देने के टाइम पे आपको ऑथोराइज सिग्नेचर के ऊपर के साइड में यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम प्रिंट में आ रहा है, जो कि आपको डेट एंड टाइम प्रिंट में नहीं चाहिए। और आप उसको बंद करने के लिए एफटीएल में जाके ऑप्शन भी फाइंड आउट करते हो बट आपको ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है। तो किस तरीके से उस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो और किस तरीके से आप जो डेट एंड टाइम प्रिंट में आ रहा है उसको हटा सकते हो, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो फर्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको फर्स्ट करना क्या है। आपको F11 में जाके F3 में जाके पहले तो चेक करना है कि इनेबल वैल्यू एडेड टेक्स्ट वाला ऑप्शन यस है कि नहीं। अगर आपका ये ऑप्शन यस रहेगा तो फिर आपको किस तरीके से बंद करना है, आपको यहाँ पे जब प्रिंट आउट कमांड दोगे F12 प्रेस करोगे, फिर से F12 प्रेस करोगे तो आपको प्रिंट डेट एंड टाइम का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो फिर आपको इसको यहाँ से नो करके उसको बंद कर सकते हो। बट अगर आपका वेट वाला ऑप्शन, तो उसके बाद अगर आप चेक करोगे तो ये ऑप्शन यहाँ से डेट एंड टाइम ऑप्शन चला जाएगा। अभी मैं एक बार फिर से उसको इनेबल करता हूँ। और अगर आपका F11 में से आपने ऑप्शन इसको बंद कर दिया है और बंद करने के बाद अगर आप यहाँ से प्रिंट आउट देखो तो आपको यहाँ पर देखो डेट एंड टाइम प्रिंट में आ रहा है। और अगर आप प्रिंट में जाके दो बार F12 प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम का ऑप्शन ही यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए आपको एक ही चीज़ करना है, F11 में जाके पहले आपको वैल्यू एडेड टेक्स्ट वाला ऑप्शन यस कर देना है, फिर प्रिंट में जाके दो बार F12 प्रेस करना है, प्रिंट फिर आपको प्रिंट डेट एंड टाइम वाला ऑप्शन को नो कर देना है। देखोगे तो आपको यहाँ पे डेट एंड टाइम वाला ऑप्शन निकल जाएगा और वापस आपको F11 में जाके इस ऑप्शन को, वैल्यू एडेड वाले ऑप्शन को नो कर देना है। तो आपका ये ऑप्शन जो डेट एंड टाइम प्रिंट में आ रहा था वो निकल जाएगा। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको वेट अगर आपने बंद कर दिया है तो वेट वाला ऑप्शन को यस करके प्रिंट कमांड में जाके F12 में आप देखोगे तो आपको वैल्यू डेट एंड टाइम का ऑप्शन आएगा। वहाँ से आपको बंद करने के बाद फिर वेट वाले ऑप्शन को नो कर देना। तो दोस्तों यही चीज़ मैं आपको इस रूम में सिखाना चाहता हूँ। अगर आपको और भी कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट्स करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों बस इस रूम में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो बनाते रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट रूम में नई टिप्स और अपडेट के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।